प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। महेंद्र सिंह धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स चौथी बार आईपीएल का चैंपियन बन गया है। पिछली बार जो चेन्नई प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई थी, उसने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर आईपीएल 2021 के खिताब पर कब्जा कर लिया है। वहीं सीएसके के इस जीत के साथ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी और उनकी बेटी जीवा भी खुशी से झूम उठी। साक्षी जीत के बाद खुशी में डांस भी करती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। इन दोनों के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के बाकी खिलाड़ियों का भी परिवार खुश नजर आया। फाइनल मैच की बात करें तो टॉस जीतकर कोलकाता ने चेन्नई को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसिस ने टीम को शानदार शुरुआत दी। डुप्लेसिस ने 59 गेंद पर धमाकेदार 86 रन की पारी खेली। चेन्नई का पहला विकेट गायकवाड़ के रूप में गिरा। गायकवाड़ 9वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए। उस समय चेन्नई का स्कोर 61 रन था। उसके बाद रोबिन उथप्पा क्रीज पर आए और डुप्लेसिस का भरपूर साथ दिया। उथप्पा ने ताबड़तोड़ शॉट लगाए और महज 15 गेंद में 31 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। उसके बाद मोइन अली ने कई शानदार शॉट दिखाए। उन्होंने भी टीम के लिए 37 रन बनाए। पारी की आखिरी गेंद पर डुप्लेसिस आउट हुए। उस समय तक उन्होंने 86 रन बना लिए थे। 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की शुरुआत भी शानदार रही। शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने काफी तेज खेला। दोनों ने 10 ओवर तक चेन्नई के गेंदबाजों को काफी परेशान किया। गिल और अय्यर दोनों ने अर्धशतक जड़ा। टीम का पहला विकेट 11वें ओवर की चौथी गेंद पर वेंकटेश अय्यर के रूप में गिरा। दूसरा विकेट भी 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर गिर गया, जब नीतीश राणा बिना खाता खोले आउट हो गए। उसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। कोई भी बल्लेबाज बड़े साझेदारी नहीं निभा पाया। सुनील नारेन, दिनेश कार्तिक, शकील अल हसन, कप्तान इयान मॉर्गन एक के बाद एक आउट होते चले गए। मॉर्गन के आउट होने के साथ ही कोलकाता की उम्मीदों को झटका लगा और आखिर में चेन्नई ने 27 रन से मैच जीत लिया। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। दूसरी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।